उदयपुरा में सरकार के बेहतर शिक्षा के दावे सिफर साबित हो रहे हैं। शिक्षा विभाग की लापरवाही से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नया शिक्षा सत्र शुरू होने के 1.5 महीने बाद भी बच्चों को किताबें नहीं मिल सके। प्राइमरी और मिडिल क्लास के बच्चे बिना किताबों के पढ़ने को मजबूर हैं। उदयपुरा के सीएम राइज स्कूल में शिक्षा विभाग ने किताबों की व्यवस्था नहीं की। बीआरसी से बात करने पर उन्होंने मामले से किनारा कर अपना पछताव किया। वहीं शिक्षकों ने बताया कि पुरानी किताबों से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से किताबें उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। 18 जून से सर। 18 जून अभी आपको स्कूल की तरफ से किताबें मिली क्या? नहीं मिली अभी सर। तो आप पढ़ाई कैसे करते हैं? सर वो घर पे करते हैं, वो तो सर कॉफी है तो उसमें कुछ लिख लेते हैं। मेरा नाम चंद्रवती लोधी है। किस क्लास में पढ़ती हैं? 8th क्लास में। ये बताइए स्कूल से आपको किताबें मिली? नहीं मिली। तो ऐसे में आप पढ़ाई कैसे करते हैं? सर जो रिवाइज करने देते हैं वो ही करते हैं। हाँ। बिना किताबों की पढ़ाई हो रही है? यस सर। फिलहाल में जो पुराना कोर्स है उसमें जो गतिविधियाँ चल रही हैं बेसलाइन टेस्ट उसको करा रहे हैं और जनरल चीज़ें जो हैं उनको कवर करा रहे हैं। इसके विषय में सीएसई और बीआरसी से भी बात की गई लेकिन उनने इसका कोई संतोषजनक उत्तर अभी हमको नहीं दिया गया है। 17 बच्चों के लिए 17 जून से नहीं अभी मतलब ऑफिस से उपलब्ध नहीं हुआ। नहीं शिकायत तो नहीं है क्योंकि अभी मेरी जानकारी में सभी स्कूलों के शासकीय स्कूल के लिए अभी उदयपुरा में किसी कहीं नहीं मिला है, तो जब सबको मिल जाएगी तो हमें भी मिल जाएगी। ये तो 1 जून 17 जून को प्रवेश उत्सव हुआ था, उसके बाद बच्चे आने लगे थे लेकिन 1 जून से परमानेंट आ रहे हैं बच्चे। अभी तो खेल खेल में शिक्षा दे रहे हैं, जो ट्रेनिंग लेके आए थे पहली और दूसरी की FLN की उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, गाना कहानी कविता इसके माध्यम से और जो चित्रों द्वारा कहानी पुरानी किताबें दे दी। कक्षा 1 से 8 तक के लिए ये सत्र प्रारंभ में प्रयास अभ्यास पुस्तिका आई थी जो सभी स्कूलों में पहुंचा दी गई है, बच्चे उसमें अभ्यास कर रहे हैं। जो सत्र की बुक्स हैं कुछ पूरी प्राप्त नहीं हुई हैं उसके कारण अभी वितरण नहीं हो सका है, अभी आने के है सूचना मिली है, जैसे ही प्राप्त होंगी उनको शाला स्तर तक जिला स्तर से निर्धारित परिवहनकर्ता द्वारा।